ऐसे मिला लिए। निकल गई हूँ अभी ट्रेन स्ट्रीट की तरफ। स्टेशन में है मेरा एयरबीएनबी लेक के पास, काफ़ी अच्छा व्यू है। और यह है वियतनाम की फेमस ट्रेन स्ट्रीट। अब इन लोगों को कैसे पता कि हमारे यहाँ देहरादून में रोज फाटक बंद होता है, अजबपुर में। गेट गेट खोल दिए उन्होंने अभी, अब लोग आ जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिम ले लिया है 30 डेज वैलिडिटी का वेटेल का, जो मुझे पड़ा 2 लाख का। पता नहीं उसने बोला कुछ, मैंने सुना कुछ। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, लोकल लोगों को बहुत कम इंग्लिश आती है, तो वो बोल कुछ और रहे हैं, समझ कुछ और रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग है। हनोई की ट्रेन स्ट्रीट में क्योंकि बहुत फेमस है, जब तक इनको ऐसे ना बोलो कि हम कॉफ़ी पी रहे हैं तब तक ये एंट्री नहीं करने देते हैं। यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं, काफ़ी फेमस है ये। देखो ये लोग फ़ोटो शूट करवा रहे हैं अपना। तो जब तक मेरी कॉफ़ी आ रही है तब तक मैं बैठी हूँ, स्ट्रीट का एंजॉय ले रही हूँ। एग कॉफ़ी यहाँ की फेवरेट, उसके ऊपर एग रहता है, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, और नीचे कॉफी रहती है। ऐसे मिला लिए, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है बट कॉफ़ी काफ़ी डार्क है और काफ़ी टेस्टी है। उनका बिजनेस है कि ये लोग तभी एंट्री करने देते हैं अगर कॉफ़ी पियोगे तो, नहीं तो अंदर आने नहीं देते स्ट्रीट में। ये यहाँ पे अभी 6:30 बज रही है और यहाँ पे स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो रही है। तो आपको यहाँ पे इंडियन फूड खाना है तो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं। अभी मैं हूँ ओल्ड क्वार्टर हनोई में, तो यहाँ पे मैंने 2-3 इंडियन रेस्टोरेंट देख लिए। अगर आप नॉन वेज या फिर आपको यहाँ का खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये इंडियन रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। और अभी मैं पहुँच गई हूँ उसके बाद डायरेक्ट नाइट मार्केट, ये यूजुअली वीकेंड में लगता है। गॉगल्स बट मेरे काम का नहीं है। और ये आइसक्रीम है यहाँ पे, अच्छी सी लग रही है। 40 डोंग की है, मैं थाई बात बोलने वाली थी, मेरे मुंह में थाई बात ही आ रहा है। ये देखो मटन और पोर्क, और मैं मटन लूंगी। 35 डोंग का, काफी जूसी है। यह है मेरा डिनर, यह है फिश नूडल्स और सब सैलेड। तो यहाँ से मैंने आज काफ़ी शॉपिंग की है, एक तो मैंने पेंडेंट लिया और लैशेज भी करवाए हैं, तो अभी यहाँ प्रैक्टिस हो गई है खाने की। सबसे पहले तो नूडल्स,
चल ऐसे अब तो मैं प्रो हो गई हूँ, नूडल्स जैसे पेन पकड़ते हैं वैसे ही पकड़ना है। ये वाले थोड़ा ठीक है।